1969 की वाणी चल रही थी। मैं किस तन में आता हूँ वो भी बताते हैं। मनुष्य मुझते हैं, क्या एक ही तन में आवेगा? परंतु ये तो ड्रामा है, इस ड्रामा में चेंज नहीं हो सकती। जो जिसका जैसा पार्ट और जहां भी पार्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकती। और ये बातें तुम ही सुनते हो और फिर धारण भी करते हो और फिर औरों को भी सुनाते हो कि कैसे शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, और हम फिर बाबा से सुनकर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा ही है, आत्मा ही सीखती है, आत्मा ही सिखलाती है, क्योंकि आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है और अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है, हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नाली ले रहे हैं। कई की नॉलेज ले रहे हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज लेने वाली आत्मा है जो अविनाशी है, तो मोह भी अविनाशी में रखना चाहिए या विनाशी में रखना चाहिए? कितना समय तुम विनाशी चीजों में मोह रखते आए हो? देह में मोह रहा, अपनी देह में महामोह रहा, दूसरों की देह में मोह रहा, देह के पदार्थों में मोह रहा, अभी तो समझते हो ये सब काम की चीज नहीं है। हम तो अविनाशी आत्मा हैं, अब शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चों ने लिखा, मुझे आत्मा ने ये काम किया, मुझे फलाने की आत्मा ने आज बाप को बहुत याद किया, आज ये भाषण किया, सुप्रीम सोल के बारे में बताया। सुप्रीम आत्मा नॉलेज फुल है। जो तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं, मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। रचयिता कौन है? रचयिता आत्माओं का बात है या कोई और है? रचयिता आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल है
या कोई और है? तो तुम तो कहता है और रचना, जैसा रचयिता होगा वैसी रचना भी होगी। रचयिता तो अविनाशी है, सोल है ना, सुप्रीम सोल है, तो रचना भी कैसी होगी? है अविनाशी होगी। परंतु ये पांच तत्वों से बनी हुई ये शक्ति जो इन आंखों से देखने में आती है, विनाशी है या अविनाशी है? तो सुप्रीम सोल रचयिता है या नहीं? क्योंकि जैसा रचयिता बाप होगा वैसी रचना होगी। अरे मुझ गए क्या? सुप्रीम सोल मनुष्य सृष्टि का बाप है। हाँ, सुप्रीम सोल मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है। तब दोनों मिलकर के रचयिता कहा जाता है। वो रचयिता मनुष्य सृष्टि की रचना करता है, स्थापना पालना और विनाश भी होता है। मनुष्य सृष्टि क्रिएट की जाती है, तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप क्रिएटर कहा जाता है। घड़ा रचना है, कुम्हार रचयिता है, घड़ा टूट जाता है तो घड़े का विनाश हो जाता है, रचयिता का भी, कुम्हार का भी क्या होता है? उसका भी विनाश होगा। तो बोला जो अविनाशी है परमपिता सुप्रीम सोल, वो कोई आत्माओं को क्रिएट नहीं करता है, बाप को क्रिएटर कहा जाता है। परंतु क्या आत्माओं को क्रिएट करता है? नहीं, आत्माएं तो अनादि अविनाशी और अमर है, तो अक्षर जरूर कर्तव्य पर आते हैं। ये भी तुम समझते हो, और कोई मनुष्य नहीं है जिसको आत्मा परमात्मा बाप याद हो। बाप ये नॉलेज देते हैं कि अपन को आत्मा समझो, दूसरा कोई नॉलेज क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो भूल जाते हैं। एक सुप्रीम सोली है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, सदैव आत्मा है, इसलिए उसी को आत्म की स्थिति की याद रहती है, बाकी सब भूल जाते हैं। अभी तुम
अपन को शरीर समझ करके उल्टे लटक पड़े थे। एक दो को कहते भी हैं तुम तो उल्लू हो, फलाना हो। सन्यासी लोग भी कितने नाम रखते हैं, कहते सर्प सर्पिणी, क्योंकि 84 लाख योनियां कहते हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं। जो कहते हैं वो जरूर इस समय उसी क्वालिटी के हैं, क्योंकि ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। ज्ञान होता तो समझते कि मनुष्य आत्मा भी एक बीज है, जैसा बीज होगा वैसा ही झाड़ बनेगा। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं ले सकती, वो आत्माएं जो और योनियों में जन्म लेती हैं, उनकी जाति ही अलग है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुम समझते हो हम कोई उल्लू पाजी गधे नहीं बने हैं, हमारी आत्मा इनका बीज नहीं है। यूं आत्मा तो सभी चीज में है। पेड़ पौधे में आत्मा है, है? पेड़ पौधों में भी आत्मा है। पेड़ की एक तरफ की जड़ काट दो, ऊपर का उसी तरफ का तना सूख जाता है, तो आत्मा तो ही ना। परंतु कहेंगे जड़त्वमयी आत्मा है। मनुष्य सभी प्राणियों में ज्यादा चैतन्य है। मनुष्य को मन होता है, बुद्धि होती है, और प्राणियों में मन प्रधान नहीं होता है। कलकत्ते में एक आदमी है जिसने ये खास स्टडी की है कि जो भी झाड़ आदि है सभी में आत्मा है, परंतु कोई में जड़ है और कोई में चैतन्य है। मनुष्य में सभी से जास्ती चेतनता है, इसलिए गायन भी है आत्मा सत्य चित्तानंद स्वरूप। आत्मा की सभी से जास्ती महिमा है। एक बाप की आत्मा की कितनी महिमा है, जिनको सुप्रीम सोल कहा जाता है, वो बाप ही दुख करता सुख करता है। बाकी मच्छर आदि में भी महिमा की बात नहीं, क्यों? आत्मा तो उनमें भी है, परंतु उनकी महिमा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, है? अभी तो बताया शिव बाप की सुप्रीम सोल की सबसे जास्ती महिमा है। क्यों? क्योंकि वो सुख करता है, कभी भी दुख करता नहीं है, तो उसकी महिमा है। और मच्छर, मच्छर तो जिसके पास बैठेगा उसको डसेगा, काटेगा, दुख देगा, तो दुख देने वाले की महिमा नहीं होती। रावण की कोई महिमा करता है क्या? करता है, रावण की कोई महिमा नहीं। परमपिता परमात्मा तो दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। बाकी और आत्माएं कोई ज्ञान का सागर थोड़ी है, नहीं?
ये ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, ये तो बाप की महिमा है। ऐसे तो तुम भी दुखहर्ता सुखकर्ता हो, परंतु नंबर वार एक जैसे नहीं हो। फिर भी कहेंगे तुम दुखहर्ता हो, सुखकर्ता हो, क्योंकि उसी ही बाप के बच्चे हो जो सभी का दुख हर लेते हैं, और वो भी आधा कल्प के लिए पूरा दुख हर लेते हैं। यह नॉलेज उस सुप्रीम बाप के सिवाय और कोई में नहीं है, वो एक ही बाप नॉलेज फुल है। हमारे में तो नो नॉलेज है, क्योंकि एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो बाकी फिर हमारे में क्या नॉलेज रही। अभी तुम फील करते हो, पहले तो हम भी नॉलेज लेस थे, कुछ भी नहीं जानते थे, जैसे बेबी बुद्धि थे। बेबी में नॉलेज तो नहीं होती है, फिर कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। क्यों? बेबी को, बच्चे को महात्मा क्यों कहा जाता है? महान आत्मा, क्योंकि उनमें कोई विकार नहीं होता है। जितना छोटा बच्चा उतना ही नंबर वन फूल होगा, बिल्कुल ही जैसे कि कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म विकर्म कुछ भी नहीं जानते, वो सिर्फ अपन को जानते हैं। तो वो फूल हैं, इसलिए सभी को कशिश करते हैं। जैसे अभी बाप सभी को कशिश करते हैं, बाप आए ही हैं कशिश करके तुम सभी को फूल बनाने के लिए। तुम्हारे में भी कई बहुत खराब कांटे भी हैं, ये पांच विकारों रूपी खराब कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। फूल सुखदायी होते हैं, हल्के होते हैं, कांटे तो दुखदायी होते हैं। कोई कोई की चलन ही जैसे कांटे मिसल है। कुत्तों मिसल भू भू करते रहते हैं, कांटों का जंगल भी होता है ना। बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, उन कांटों से भी बहुत सी चीजें बनती हैं। छोटेपन में हम चटाई बनाते थे, तो देखो कांटों से भी बैठे चटाई बनाते थे, बबूल के सिवाय और कोई झाड़ में इतने कांटे नहीं होते। तो भेंट की जाती है मनुष्यों की, बात समझाती है। इस समय इस दुनिया में बहुत दुख देने वाले मनुष्य हैं जो कांटे मिसल हैं, इसलिए इसको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी है बाप सुखदाता है, माया रावण दुखदाता है। फिर सतयुग में ये माया होगी नहीं,
युग में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कांटे आदि कुछ भी नहीं होंगे। ड्रामा में एक पार्ट दो तीन बारी नहीं हो सकता। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वो सभी नया नया पार्ट बजता है। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक कितने टाइम ही बदलते जाते हैं, दिन बदलते जाते हैं, एक्टिविटी भी बदलती जाती है। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में लुधा हुआ है और हर एक आत्मा की एक्टिविटी अलग अलग, वो बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट लुधा हुआ है। तो देखो, ये एक बात भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। 12:69 की वाणी का 3rd पेज, आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 का पार्ट भरा हुआ है और एक एक अविनाशी आत्मा में अनेक जन्मों का अविनाशी भिन्न भिन्न प्रकार का पार्ट भरा हुआ है। 1 सेकंड का पार्ट भी कोई दूसरे से पूरा मिल नहीं सकता। पास्ट को देखो, प्रेजेंट को देखो, फ्यूचर को देखो। अभी तुम आदि मध्यंत को जानते हो, ये स्कूल है, इसमें सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना है और फिर बाप को याद करके पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़नी है। इनके पहले जानते थे क्या कि हमको क्या बनना है? अभी तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया क्या बनना है? है देवता बनना है, नरसिंह नारायण जैसा बनना है। तो बाप कितनी क्लियर करके समझाते, तुम पहले नंबर में ये थे, है? उसको समझाते हैं। क्या बात बोली अभी? तुम पहले नंबर में ये थे। क्या थे? लक्ष्मी नारायण। किससे बोला? तुम, ये तो बहुत है। तुम पहले नंबर में ये थे। अगर पहले नंबर न लगाया होता तो भी चलता। तुम यह थे माने तुम सब ये लक्ष्मी नारायण जैसे थे, क्योंकि उस डायनेस्टी में यथा राजा तथा प्रजा सब लक्ष्मी नारायण जैसे देवताएं होते हैं। परंतु यहां शब्द लगा दिया तुम पहले नंबर में, तो किससे बोला? है? जरूर बाबा का कॉन्सेंट्रेशन कोई एक आत्मा पर है। वो आत्मा भले उस समय यज्ञ में प्रैक्टिकल शरीर से नहीं थी, फिर भी तुम क्यों कहा? है? इमर्ज करके किया। अभी फिर तुम नीचे उतरते उतरते क्या से क्या बन गए हो? दुनिया का तो देखो क्या हाल है, दुनिया भी क्या बन गई है, कितने ढेर के ढेर मनुष्य हो गए। अभी इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो,
उस राजधानी में क्या क्या होगा, ये लक्ष्मी नारायण जहाँ रहते होंगे वहाँ कैसे कैसे हीरे जवाहरातों आदि के महल होंगे, वहाँ स्वर्ग में महल माड़िया अटारियां होंगी है, वहाँ मिस्त्री और कारीगर भी होंगे, मजदूर मिलेंगे, फिर महल माड़िया अटारियां कहाँ से आ जाएंगी। बाबा की तो बेहद की भाषा है, महल माने किला, किला माने संगठन, तो लक्ष्मी नारायण के चैतन्य किले होंगे, बुद्धि में आता है कि अभी हम ऐसे स्वर्गवासी बन रहे हैं जहाँ मनुष्यों का ऐसा एकाकार संगठन होगा कि दुनिया का समय ही बंधा हुआ होगा, वाइब्रेशन ही बंधे हुए होंगे, उस बंधे हुए वाइब्रेशन में ये पांच तत्वों वाली प्रकृति दासी बनकर के रहेगी। हम संगठित रूप में जो भी संकल्प करेंगे प्रकृति उस संकल्प को दासी के रूप में फटाफट करने के लिए तैयार होगी। जैसे पहाड़ों पर गुफाएं बनी हुई होती हैं, ऐसे वहां ऑटोमेटिक महल बने हुए होंगे, उनमें हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, रोशनी ही रोशनी, और रात तो वहां होती ही नहीं है। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, उन 6 महीनों में रात होती है क्या, ऐसे ही ये आधा कल्प की उस दुनिया में सूरज कभी डूबेगे ही नहीं, तो ऐसे तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, वहां तुम्हें थकान भी नहीं होगी जो 12 घंटे सोना पड़े, आनंद ही आनंद होता है देवताओं का। आज के मनुष्यों का सुख है क्षणभंगुर, और देवताओं का सुख सदा काल का होता है। तो देखो हम वहां अपने ऐसे ऐसे मकान आदि कैसे बना देंगे, वो अभी तुम बैठ समझते हो, युग बल से बनावेंगे या बाहुबल से बनावेंगे, योग बल से मकान फटाफट तैयार हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि नीचे से कोई द्वारिका निकल आवेगी, नहीं, जैसे शास्त्रों में दिखाई दिया है, शास्त्र नाम तो चला ही आता है और दूसरा कोई नाम तुम रख भी नहीं सकते, और किताबें तो होती हैं पढ़ाई की और दूसरे नाविन्स भी होते हैं, बाकी इन शास्त्रों को तो पुस्तक या शास्त्र ही कहते हैं, वो है पढ़ाई का किताब। तो भक्ति मार्ग की ये पुस्तक अलग है, इसे पढ़ते पढ़ते मनुष्य नीचे ही गिरते चले आते हैं। शास्त्र पढ़ने वालों को, भक्ति करने वालों को भक्त आदमी कहा जाता है, भक्ति और ज्ञान है ना। अब बताओ वैराग्य किसका होगा, नाम तो देते हैं
ज्ञान भक्ति वैराग, सही का वैराग, भक्ति से तुम नीचे ही गिरते चले आए हो, तो जिससे नीचे गिरते चले आए हो नकामी चीज हुई ना, उसी का वैराग कहेंगे। ज्ञान मिला तो भक्ति से वैराग आ गए, तो बताओ कि वैराग किसका होता है, ज्ञान का होता है या भक्ति का है? भक्ति का वैराग होता है, जरूर कहेंगे भक्ति का वैराग। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, अभी माने कभी, अभी माने सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं, संगम में तुमको ज्ञान मिल रहा है। जब ज्ञान की तुम्हारे में पराकाष्ठा होगी फिर क्या होगा? ज्ञान की संपूर्णता होगी तब क्या होगा? भक्ति से वैराग हो जाएगा। सत्युग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, द्वापर कलयुग में भक्ति है, और संगम युग में ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग हो जाता है, फिर ज्ञान की प्रारब्ध सत्युग त्रेता में मिलती है। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंचे पद पाते हो, इसका मतलब ऊंच पद पाने का आधार क्या हुआ? जितना जितना गहराई से ज्ञान उठावेंगे और प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान उठावेंगे, रावण का ज्ञान नहीं, बड़ा प्रकांड विद्वान था लेकिन परम नीचे थे, तो कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान नहीं था। तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा भी तब कहेंगे जब प्रैक्टिकल जीवन में धारणा हो। अभी भक्ति से तुम कितने नीच बन पड़े हो, मनुष्य जानते हैं कि भक्ति के पीछे फिर होता है ज्ञान। भक्ति पूरी होती है और ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। भक्ति को दुर्गति कहा जाता है, क्यों? भक्ति से दुर्गति क्यों होती है? नीचे दुर्गति माने नीचे गिरना, तो भक्ति से दुर्गति नीचे गिरना क्यों होता है? क्योंकि भक्ति रावण से आती है, रावण माने अनेक मुख, अनेकों से भक्ति आती है। और ज्ञान, ज्ञान एक बाप से आता है, तो एक से है सदगति और अनेकों से होती है दुर्गति। अभी बुद्धि में पक्का बैठना चाहिए कि ज्ञान से सदगति देने वाला एक बाप है। सदगति देते हैं, ज्ञान से काय की सदगति होती है? ज्ञान से सदगति होती है तो काय की सदगति होती है? ज्ञान से आत्मा की भी सदगति होती है, और आत्मा जिन्हें पांच तत्वों के संसर्ग संपर्क में आती है, पांच तत्वों की इस दुनिया की भी सदगति हो जाती है। आत्मा और शरीर रूपी नैया
दोनों का पार ले जाने वाला खिवैया एक ही बाप है। तो एक व्याप के ज्ञान से सारी दुनिया की सदगति हो जाती है। बाप इशारा देते हैं कि भक्ति माना ही दुर्गति, तो क्या करें। इशारा दे रहे हैं तो इशारे को फॉलो करने वाले क्या करें है? अरे भक्ति माने दुर्गति। बाप इशारा देते हैं कि भक्ति से दुर्गति हुई है तो भक्ति को जो छोड़ने का जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया वो क्या करें जो दुर्गति को ना पावे। बाप को पहचान कर, बाप को पहचान कर बाप के पीछे भागे, अनेकों के पीछे न भागे। भक्ति में क्या करते रहे, जन्म जन्मांतर क्या किया, भागते रहे मंदिरों में, मस्जिदों में, ठिकानों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, गुरुओं के पीछे भागम भाग भागम भाग। उसको नाम ही दिया गया भक्ति। तो दुर्गति होती रही, बुद्धि को कहीं ठिकाना मिला ही नहीं। और अभी अभी तुमको बुद्धि से ठिकाना मिल गया, तुमको ज्ञान आ गया कि एक से सदगति होती है, एक से ही ज्ञान आता है। तो ज्ञान माना ही सदगति। तुम जानते हो भक्ति में बहुत दुखी हो रहे हैं। अभी बाप हमको सुखदाई बना रहे हैं और सुखदाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुख काई से होता है, है? होता है सुख, और पर चिंतन से होता है दुख। पर की स्थिति में रहने से होता है दुख, स्व स्थिति में रहने से होता है सुख। सुख को स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग कौन बनाता है, जो सदैव सही स्थिति में रहने वाला बाप है, जो कभी भी पर चिंतन में नहीं आता है वो ही स्वर्ग बनाता है। हम आत्माएं तो आज सही स्थिति में है और कल पर स्थिति में बंद जाएंगे। आज स्वर्ग के सुख भोगेंगे, कल नरक में गिर जाएंगे। लेकिन वो एक ही बाप है जो स्वर्ग अथवा नरक के चक्कर में नहीं आता है। तो वो ही सुखदान की स्थापना करता है। बाकी सुखदान में चलने वाले तुम हो, बाप सुखदान में नहीं आते हैं। सुखदान में आवे तो सुखदान में भी उनको आना पड़े। तो देखो सुखदान में ले जाने के लिए बाप तुमको पढ़ाते, सुखदान में ले जाने के लिए रावण फिर तुमको पढ़ाते। अभी तुम्हारे ऊपर है कि माया रावण की पढ़ाई पढ़ना है या बाप की पढ़ाई पढ़ना है। माया रावण बीच बीच में अपनी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर देती। ऐसा निकला जो बाप की पढ़ाई के सिवाय माया रावण की कोई पढ़ाई न पढ़े, निकला है? एक निकला तो वो तो सुखदाम में पहुंच गया होगा, भटकता तो नहीं होगा। अरे भक्ति मार्ग में भागना होता है कि ज्ञान मार्ग में भागना होता है?
भक्ति मार्ग में भागना होता है। भागना है तो बुद्धि भटकती है, बुद्धि को एक ठिकाना मिल जाए तो कहीं भी भागने करने की दरकार नहीं रहती। तो अब तुम जान गए हो, ये ज्ञान तुम्हारी आत्मा में है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है। क्यों? आत्मा का स्वधर्म नहीं होता है? अरे आत्मा का धर्म क्या है? हैं? आत्मा का धर्म है स्वधर्म, स्व की स्थिति में टिकना। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, बस। वो तो आत्मा ही आत्मा है। फिर जब आत्मा शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग अलग हो जाते हैं। क्या 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 धर्म हो जाते हैं? कोई आत्मा किस शरीरधारी को फॉलो करना शुरू करती है? कोई आत्मा इब्राहिम को फॉलो करे, कोई क्राइस्ट को फॉलो करे, कोई बुद्ध को फॉलो करे, कोई कबीर को फॉलो करे। तो शरीर में आती है तो शरीरधारी को फॉलो करती है, इसलिए शरीर के धर्म अलग अलग हो जाते हैं। बाकी जो सदैव आत्मिक रूप में रहने वाला बाप है वो शरीर का धर्म बनाता है या आत्मा का स्वधर्म बनाता है? आत्मा का स्वधर्म बनाता है। इसलिए सत्युग त्रेता में तुम किस धर्म में टिकते हो? आत्मा के स्वधर्म में टिकते हो। बताओ फिर आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और दूसरी बात आत्मा सुख शांति स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अभी बात समझाते हैं कि सभी बच्चों को शांति धाम सुख धाम में रहने का हक है, चाहे तो शांति धाम में रहे और चाहे तो लंबे समय तक सुख धाम में रहे। बहुत बच्चे हैं जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए, सुख धाम में आते ही नहीं, फिर भी उन बच्चों को भी बाप एक जन्म का सुख जरूर देते हैं। इसे कहते हैं आत्मा का सुख। अभी बात समझाते हैं कि सभी बच्चों का हक है आत्मिक स्थिति में टिकने का। वो फिर निकल करके अपने असल धर्म में आ जाएंगे, जो आत्मिक स्थिति में टिकने के आदि होंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में गए हैं वो सभी आत्मा रूपी पत्ते लौट कर आ जाएंगे, अपने स्थान पर आ जाएंगे। जो हिंदू से मुसलमान बनते हैं उनको शेख कहा जाता है। नाम रखते हैं शेख मोहम्मद, अर्थात बदल करके आया है। इन सभी बातों से दुनिया में और कोई नहीं समझ सकते। तो पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इस
तो बाप के परिचय में ही सभी मुझ पड़े हैं। क्या परिचय देंगे? है? मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये बाप का परिचय हो गया, फिर तो सिर्फ हम हो गया, आत्मा ही बाप हो गई। पहले बाप का परिचय देना है, तो बाप का परिचय क्या देंगे कि मैं आत्मा हूँ? क्या परिचय देंगे? परिचय देंगे कि मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, ये सब आत्माएं हैं, और इन सब आत्माओं का बाप वो भी आत्मा है, परंतु हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, भोग भोगने वाली हैं, और वो तो अभोक्ता है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है, वो सदैव शांति धाम का रहने वाला है, वो हमारे लिए सुख की दुनिया रचता है, खुद सुखधाम में नहीं आता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हमको वो पढ़ाते हैं जो सदैव कल्याणकारी है, कभी भी किसी का कल्याण करता ही नहीं, वो बाप है। बाप बड़ा होता है या बच्चा होता है? बाप तो बड़ा होता है। लोगों ने कृष्ण को भगवान बाप समझ लिया, तो कृष्ण भगवान है क्या? कृष्ण भगवान कैसे हो सकता? कृष्ण तो देहधारी है। इनको दादा कहेंगे, इनको किनको दादा कहेंगे? कृष्ण को दादा कहेंगे। दादागिरी कभी सुनी है? है? बड़ा दादागिरी दिखाता है। दादा किसको कहा जाता है? जो बड़ा भाई होता है, जिठौत होता है परिवार में, उसको कहते हैं बड़ा भाई। बड़ा भाई की अथॉरिटी बाप समान होती है। तो वो देह के धर्म में हुआ या आत्म की स्थिति में हुआ, कौन सी अथॉरिटी ज्यादा है? देह के धर्म की अथॉरिटी। इनको दादा कहेंगे। किनको? इनको, इनको माने इनको कहके किस तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ। तुमको दादा नहीं कहेंगे क्या? इनको दादा कहेंगे। बाकी तो तुम सब भाई भाई हो। फिर है सभी के मर्तबे के ऊपर। भाई का शरीर कैसा है और बहन का शरीर कैसा है, ये भी अभी तुम जानते हो। बाकी आत्मा तो एक छोटा सितारा है। कितनी सभी नारी छोटे से सितारे में है। ये सितारे के बगैर शरीर बात भी नहीं कर सकता है। सितारे को पार्ट बजाने के लिए एक ही अंग चाहिए या सभी अंग चाहिए? सभी अंग चाहिए। अभी देखो, वो सितारों की दुनिया अलग है आसमान में। वो आसमान के सितारे हैं, जड़ सितारे हैं, और तुम परमधाम के चैतन्य सितारे हो। यहां आकर के आत्मा शरीर धारण करती है। वो आत्माओं का घर है। वहां आत्माएं छोटी छोटी बिंदी मिसल
और शरीर देखो कितनी बड़ी चीज है, तो उस बड़ी चीज शरीर को कितना याद करते हैं क्या? दुनिया में जो भी याद करने वाले हैं वो आत्मा को ज्यादा याद करते हैं या शरीरों को याद करते हैं? है? शरीरों को याद करते हैं, उन शरीरों की कितनी याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को, क्या तुमको याद किसको करना है? एक परमपिता परमात्मा को। ये परमपिता परमात्मा एक है या दो है? एक है, दो है? दो क्या है? दो शरीरधारी हैं या दो आत्माएं हैं? परमपिता कहेंगे तो सबका पिता, परम माने बड़े से बड़ा, जिसका कोई पिता न हो। प्रजापिता को परम पिता कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे? प्रजापिता को परम पिता क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो भी बड़े से बड़ा पिता नहीं है, उसका भी कोई पिता है जिसके कंट्रोल में उसको चलना पड़े। वो प्रजापिता आत्मा है या शरीरधारी है? है तो शरीरधारी, परंतु जब परिचय मिलता है कि मैं शरीरधारियों का पिता हूं, मेरा पिता शरीरधारी कोई नहीं हो सकता। प्रजापिता का कोई पिता शरीरधारी हो सकता है? है? कोई नहीं हो सकता। फिर उसकी आत्मा का पिता तो हो सकता है, तो उसकी आत्मा का पिता है परमपिता शिव। तो यही समय है जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। कौन है पहली आत्मा? है जिसका परमपिता परमात्मा से मेला होता है, तब कहा जाता है परमपिता परमात्मा। परमपिता शिव और आत्माओं के बीच में परम पाठधारी हीरो पाठधारी आत्मा परमपिता के साथ परमात्मा, इसके दूसरे शब्दों में कहा गया है शिव के साथ शंकर। तो गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये काल की बात आती है। बहुत काल, कितना काल? बहुत में बहुत काल की गणना कितनी है? 5000 साल। हम बाबा से अलग हुए ना, तो तुमको याद आता है कितना समय अलग हुए हो? बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वो ही सुनाते हैं। इस सुनाने की बात में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, सेकंड बाई सेकंड जो भी अर्थ चलती है वो नहीं, एक सेकंड नहीं मिलता है दूसरे सेकंड से। एक एक सेकंड पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, सेकंड पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष इतने दिन इतने मिनट इतने सेकंड पास हो गए, पूरा 5000 पास हुआ। फिर एक नंबर से शुरू होगा, क्या कहेंगे? संबत्त एक एक एक। तो ये एक्यूरेट हिसाब है, इतने मिनट इतने सेकंड नोट करते रहो। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया, तुम गिनती करके बताते हो कि इसको जन्म लिए इतने वर्ष इतने मास इतने दिन
इतने मिनट इतने सेकंड हुए। अच्छा, सबसे पहले किसने जन्म लिया इस कस्तूरी रंगमंच पर? किसका नाम देंगे है? प्रजापिता ने जन्म लिया। जन्म शरीर के द्वारा होता है या बिना शरीर के जन्म होता है? आत्मा का जन्म होता है या शरीर का जन्म होता है? अगर कहें प्रजापिता ने जन्म लिया तो किसने जन्म दिया, और उसके बाप का नाम बताओ, कोई बता सकेगा? नहीं तो आप बताओ, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पहले किसने पहले पहले जन्म लिया है? दादा लेखराज ने जन्म लिया। दादा लेखराज का बाप भी तो वासवानी था है? पहले पत्ते को भूल गए है? कृष्ण पहले पत्ते ने जन्म लिया। जो पहला पत्ता होता है वो ही दादा कहा जाता है। सभी भाइयों में बड़े भाई को क्या कहा जाता है? दादा। इसलिए ब्रह्मा का भी नाम क्या रख दिया? दादा। तो देखो, शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते हो। कह देते हैं महाशिवरात्रि, कृष्ण का तिथि तारीख जन्म आदि सब निकालते हैं, पूरा लिखा हुआ होगा। तो देखो, मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, मिनट सेकंड। शिव बाबा के अवतरण भावतरण में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पता भी नहीं पड़ता है कि वो कब आया और कब चला गया। ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तब शिव बाबा आया। नहीं, ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं, क्या समझती है, हैं? अरे उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है, जीवन कहानी किताब में, शिव बाबा कब आया? सिंध हैदराबाद में जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने गीत दे दिया है संस्कृत में, निजानंदा स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो क्या साबित किया कि जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए तब शिव बाबा आया। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं है कि साक्षात्कार हुआ तब आया, ये तो रंग बात है। ऐसे ही अंदाज कर देते हैं, और अंदाज तो गलत हो सकता है। तो बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय प्रवेश किया, साक्षात्कार तो हुआ कि हम फलाना बनेंगे। इससे पुरानी दुनिया को आग लगेगी, ये भी साक्षात्कार हुआ, परंतु शिव बाबा कब आया उसके मिनट सेकंड और घंटे का हिसाब नहीं बता सकते, क्योंकि उनका तो अवतरण भी अलौकिक है। इस लोक में जो जन्म होता है वैसा जन्म उनका नहीं है, वो तो आते ही हैं बेहद की रात में। कौन सी बेहद की रात होती है? है? कब होती है? कब कहे घोर अज्ञान अंधेरी की रात हुई कि नहीं हुई, या होगी, हो गई,
हैं? जब मम्मा बाबा शरीर छोड़े, जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब घोर अज्ञान की रात थी। अभी ज्ञान के उजेले में आ गए, अनिश्चय की रात तो नहीं होती, होती है? नहीं होती, अज्ञान अंधेरे की रात नहीं होती। नहीं नहीं तो नहीं आए हो, थोड़ा बहुत नहीं नहीं आए। तो शिव बाबा आते हैं बेहद की रात के समय। बेहद की रात अर्थात 500-700 करोड़ जो बाहर की दुनिया है वो तो अज्ञान अंधेरे में है ही है, लेकिन जो बेसिक ज्ञान लेने वाले हैं वो भी अज्ञान अंधेरे में आ जाते हैं। आ गए कि नहीं आ गए? कि बाप की पहचान उनको है? नहीं है। सिर्फ बेसिक के ज्ञान में चलने वालों की ही बात नहीं है, एडवांस ज्ञान में जो चलने वाले ब्राह्मण हैं वो भी जब सतोपदान स्टेज में शुरू शुरू में आते हैं तो बड़ा उमंग उत्साह होता है, फिर जैसे जैसे औरों के संग में आते जाते हैं संग दोष और अन्न दोष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनको अनिश्चय पैदा होता जाता है। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि देखने में आते हैं। करते करते शूटिंग होते होते आखिरी जब माया का फाइनल पेपर होता है तो पता चलता है कि जैसे आज में हुआ, सारी दुनिया एक तरफ, एक आत्मा दूसरी तरफ खड़ी थी। आदमी क्या हुआ था, क्या हुआ था? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? झगड़ा हुआ। किस बात को लेकर झगड़े होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? हैं? प्योरिटी की पवित्रता के लिए झगड़ा होते हैं। क्राइस्ट के जीवन में भी झगड़ा हुआ, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, ये भी पवित्रता की बात थी। यज्ञ के आदि में भी गुधोबी घाट चलता था, उसी बात को लेकर के आदि में भी झगड़ा हुआ। ब्राह्मणों की दुनिया दो भागों में बट गई, एक अकेला रह गया और बाकी सब बाहर की दुनिया वालों के प्रभाव में आ गए। एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। जो आज में हुआ वो अंत में भी होगा। तो जब अंत में होगा तब कहेंगे कि बाहर की दुनिया वाले भी अंधेरे में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी अंधेरे में, और एडवांस में चलने वाले जो नौकुरी के ब्राह्मण हैं वो सब अंधेरे में आ जाते। घोर अंधकार का अज्ञान सारी दुनिया में फैल जाता है। तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। ओम शांति।